अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? गाँव वालों, आपको पता है बाबा जी आपसे बात करना चाहते हैं, जो चौधरी साहब इनको धमकियां देते हैं। गाँव वालों, चौधरी मुझे मारना चाहता है और मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे थाने में देना चाहता है और अपने खरीदे हुए टट्टुओं से मुझे मरवाना चाहता है। गाँव वाले भाइयों, क्या आप बाबा जी के साथ हैं? गांव वालों, क्या आप मेरा साथ देंगे? साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गाँव वालों, आपने बाबा जी का साथ दिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गांव वालों, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया चौधरी साहब, गांव पूरा आपके खिलाफ हुआ फिरता है, आप यहाँ पर डिस्को में मजे कर रहे हैं। अरे मजा आ रहा है यहाँ पर, बकवास अपनी बंद करो, बड़ा मजा आ रहा है। सच कह रहा है चौधरी साहब, अगर आपका पत्ता साफ हो गया तो आप यहाँ पर सिर्फ डिस्को में नाचते ही रह जाएंगे, इलेक्शन से तो आपकी छुट्टी। ए, क्या बक रहे हो, क्या ये सच है? पहले बताना था मुझे। हाँ हाँ चौधरी साहब, सच कह रहे हैं हम, वरना आपका पत्ता तो गायब। बगैर तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं 50 से पहले ही उनका पत्ता साफ कर देता। मुझे पंचायत में जवाब देना होगा। अरे चौधरी साहब, यही तो हम कह रहे हैं, गांव पूरा एक साथ हुआ हुआ है और आप यहाँ डिस्को में सोए हुए हैं। जगो, कोई तरकीब बताओ मुझे, मेरा दिमाग तो अभी मौफ हुआ हुआ है। अरे चौधरी साहब, आपने हमें क्यों रखा हुआ है? मैं आपको बताता हूँ एक आइडिया। अरे जल्दी बताओ, जल्दी करो।